नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं भाई टाटा टियागो के एसी की। मेरे पास जो टाटा टियागो है ये 2019 मॉडल का XZ वेरिएंट है एंड इसमें ये मैनुअल एसी अपना आता है, कोई भी ऑटोमेटिक एसी नहीं है। सो ये कैसा परफॉर्म करता है, आगे आपको कितनी हवा आती है, पीछे कितनी हवा आती है, इसके चालू होने पे आपका जो पावर है कितना क्या ड्रॉप होता है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है टाटा टियागो से रिलेटेड, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको थोड़े से कंट्रोल बता दूं कि ये अपना है नॉर्मली आपकी विंड डायरेक्शन जो है आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये अपना ब्लोवर की स्पीड एडजस्ट करने के लिए है एंड ये आपका जो टेम्परेचर है उसे एडजस्ट करने के लिए, जो ठंडी हवा है वो इतना ही एडजस्ट करने पे आती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे ऊपर जब आप करेंगे तो भाई इसमें गर्म हवा आने लगती है, इसका मतलब हीटर ऑन हो जाता है कि ये इनर सर्कुलेशन ऑफ द ईयर अगर इसको आप चालू कर देते तो जो एसी की हवा है वो अंदर ही अंदर घूमने लगती है एंड इसे अगर आप चालू कर देते तो आपका एसी ऑन या ऑफ हो जाता है। इसे चालू किए बिना अगर आप इन्हें चलाते रहो तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये तो इसका नॉर्मल कंट्रोल है। इसमें ब्लोवर आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ दो हैं और आपके पैसेंजर और ड्राइवर की तरफ एक एक ब्लोवर आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर ब्लोवर का ये जो आउटपुट है ये सीधे विंडशील्ड पर आता है और अपने पैरों के नीचे यहाँ पर आपके जो पेडल हैं यहाँ पर इसका एक ब्लोवर देखने को मिलता है। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पर कोई भी ब्लोवर नहीं है। सो ये मैंने इसकी प्लेसमेंट की बात कर ली नॉर्मल, और अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है जहाँ पर अभी जो दिन का तापमान है 40-40 डिग्री तक चला जाता है दिन में, उस समय ये कैसा परफॉर्म करता है। तो भाई जैसे ही मैं गाड़ी चालू करूँ, सबसे पहले तो अगर नॉर्मली इसे चालू करके रखा हो तो इंस्टेंट कूलिंग जो है वो ये एसी नहीं करता है, आपको कांच खोल के थोड़ी देर तक चलाना पड़ेगा, हवा नॉर्मली जो बाहर की है वो आपको अंदर लेनी पड़ेगी एंड फिर जाके ये कहीं थोड़ी देर बाद अपना कूलिंग इफ़ेक्ट देना शुरू करेगा। अगर 35-40 डिग्री के तापमान पे आप इसे 5 पर भी ऑन करेंगे तभी ये अपनी जो परफॉर्मेंस पूरी वो दे पाता है, 2-3 पे तो भाई मैं कई बार इसका सेटिस्फाई होता ही नहीं हूँ। एक कमी मुझे जो इस ब्लोवर में लगी वो ये कि भाई आप खुद देखो, ये अभी 1 पे ऑन है कितनी नॉइज़ कर रहा है, नाम मात्र की नॉइज़ कर रहा है, ठीक है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो नॉइज़ आप सुन पा रहे होंगे, ये इस तरीके की कुछ नॉइज़ करता है बिल्कुल। 5 नंबर पे आप जब इसे चलाएंगे तो बहुत आवाज़ आएगी अंदर, हालांकि थोड़ी देर जब आप इसको चला लेंगे तब आप इस आवाज़ से फेमिलियर हो जाएंगे, लेकिन इसका एक ये डाउन साइड है इस एसी का कि ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा करता है। बाकी भाई पीछे के पैसेंजर को कैसी क्या हवा आती है वो मैं आपको अगर बताऊँ तो एक बार पीछे चला जा फटाफट, ये पीछे जाती है, तब तक मैं आपको इन दोनों ब्लोवर्स का आपको एक बार बता देता हूँ। तो भाई ये जो है इतना कुछ एडजस्ट हो पाते हैं और मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेरे को जो इसकी हवा है अपने फेस पे डायरेक्ट चाहिए होती, लेकिन ये मेरे हाथों पे जाती है, पता नहीं कैसे क्या एडजस्ट होता है ये। एंड वो वाला जो ब्लोवर है ये अपना जो सीधे जो आपका पैसेंजर का मुँह है वहाँ पर भी आराम से थ्रो कर देता है। बाकी एक बार मैं इसको चालू करता हूँ तो उसको मैंने फुल उस साइड करके रखा हुआ है एंड तू उधर बैठा है, तेरे को हवा आ रही है, इधर से आ रही है, मतलब इतनी आ रही, इधर इधर को बंद करो, इधर की इस इधर के अलावा उस साइड से आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो गाइस वो वाला जो ब्लोवर है वो पीछे वाले पैसेंजर को हवा नहीं पहुंचा पाता, इस साइड बैठ के देखना, एकदम थोड़ी थोड़ी। तो गाइज मैंने बीच वाले ब्लोवर्स को भी बंद करके रखा हुआ है एंड वो वाले जो ब्लोवर हैं एकदम पीछे जो हवा है वो नहीं दे पाते। बाकी अगर इन्हें सामने की डायरेक्शन में कर दिया जाए बीच वाले जो आपके ब्लोवर हैं तो अब हवा आ रही है बीच में, तो थ्रो कैसा है? ये मैंने फुल पे चला रखा है अभी, आगे से तो आधी आ रही है, आधी आ रही है, आगे ज़्यादा आती है, और साइड में जाके देख तो आ रही है, साइड में थोड़ा कम आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी आ
आती है फिर भी इंसान है ना। लेकिन भाई बीच में क्या है, ज़्यादा हवा आती है लेकिन बीच में क्या है, कोई पैसेंजर इसमें बहुत कम ही बैठता है, राइट साइड में बैठेगा ड्यू टू दिस बम्प, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक बम्प है पीछे की साइड टियागो में। मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करता हूँ, 3 पे करता हूँ। अच्छा 1 2 3 ठीक है। तो अब बता अब कैसी हवा आ रही है? बहुत थोड़ी। बहुत थोड़ी और कम करके मतलब अब कुछ मालूम पड़ रहा है, कुछ असर हो रहा है चमड़ी पे? 1% थोड़ा कम आ रही। तो अगर कोई 1 नंबर पे चलाएगा इसको एकदम नॉर्मल, तो पीछे हवा कुछ मालूम पड़ती है? नहीं कुछ नहीं। ठीक है तो भाई पीछे की तरफ कम ये थ्रो दे पाता है, अगर आप फुल स्पीड पे चलाएंगे तब मस्त हवा आती है पीछे की साइड। एंड कूलिंग का मैंने आपको बता दिया, कूल करने में थोड़ा सा समय ये लेता है, जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे तब लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर ये ठंडी हवा तो देने लगेगा, लेकिन ये पूरा केबिन जो है आपका वो ठंडा होने में समय लग जाता है इस एसी के साथ। एंड दूसरी चीज़, गर्मियों में अगर 30-40 डिग्री टेम्परेचर है तब आपको पूरा फुल पे अगर आप चलाएंगे तभी मेरे हिसाब से इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे, अदरवाइज़ थोड़े में तो आप कम ही इससे सेटिस्फाई हो पाएंगे। ये जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूँ अगर भाई पावर डलनेस की, कि जब आपका एसी ऑन होता है तो कितनी पावर इसकी जाती है, तो 1 या 2 नंबर पे तो नॉर्मल मॉडरेट लेवल का जो पावर है वो ये लूज़ करता है, लेकिन जहाँ 5वें नंबर पे आपने इस एसी को चलाया, अब भाई मेरे हिसाब से जहाँ तक इसका लॉजिक लगता है कि बैटरी से कनेक्शन होता है भाई ब्लोवर्स का, तो पावर इतनी डाउन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं फुल पे चलाता हूँ भाई गाड़ी की पावर बहुत डाउन हो जाती है, बहुत दब के चलने लगती है गाड़ी, खूब एक्सेलेरेटर देना पड़ता है तब जाके अच्छे से चल पाती है। साथ ही साथ अगर आपके 4-5 पैसेंजर बैठे हैं, बूट में सामान रखा है, तब तो और भी ज़्यादा दब के ये गाड़ी चलती है। सो हाँ गाइस, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन होने के साथ साथ ये गाड़ी आपकी एसी पर दबेगी भी सही। तो एक बार आप गाड़ी का मतलब हल्का फुल्का एसी का रिव्यू जो है मैं जितना बता सकता था वो मैंने आपको दे दिया। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउन करके बिल्कुल पूछें, मैं अपने हर कमेंट का जवाब देता हूँ। एंड भाई एक बार मेरा मतलब ये आपसे ओपिनियन है कि आप जब भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेना, थोड़ा सा इस गाड़ी का एसी वगैरह अपने हिसाब से चेक कर ले, क्योंकि एसी का थ्रो बहुत अच्छा है लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि भाई ये आवाज़ करता है, अगर वो आवाज़ आपको परेशान नहीं करती तब आप इसको बढ़िया से कंसीडर करें। एंड सेकंड थिंग कि जब आपका एसी ऑन हो जाता है तब ये गाड़ी दबती है बहुत ज़्यादा, और भाई ये अपना नॉर्मल सिटी मोड में दबती है, ये इको मोड जैसे कि नई गाड़ियों में तो आता नहीं है, लेकिन पुरानी वाली गाड़ी का इको मोड लगा दो तो ये भाई चलने में ही नखरे करती है। मेरे को तो बिल्कुल भी मतलब मज़ा जो है चलाने वाला वो एसी के साथ इसमें नहीं आता। खैर आपकी क्या राय है वो आप बताइएगा, और मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।